कृष्णा का आश्रय। हर वर्ष वृंदावन के लोग वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में सुख और समृद्धि बनी रहे। ऐसे ही एक अवसर पर कृष्णा ने अपने पालक पिता नंदा को सलाह दी। पिताजी, हम अन्य गांव वालों की तरह अपने गाय के साथ जंगल में घूमते हुए एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। गाय ही हमारी संपत्ति और जीवन है। हमारा भरण पोषण इन्हीं के द्वारा होता है। इसीलिए हमें इंद्रा की पूजा करने के बदले इनकी पूजा करनी चाहिए, बल्कि हमें वृंदावन और गोवर्धन की भी पूजा करनी चाहिए, जो हमें और हमारे पशुओं का भरण पोषण करते हैं। मेरे विचार में तुम जो कर रहे हो वह सही है। कृष्णा, हमें इंद्रा की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन के सभी निवासी कृष्णा की सलाह से सहमत थे। इंद्रा, जो अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रबंधक समझता था, बहुत क्रोधित हुआ। वह जोर से गरजा, इतनी हिम्मत? ये बिचारे मूर्ख ये सोचते हैं कि वे कृष्णा पर निर्भर कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा उन्हीं लोगों की तरह एक है। वे ये भूल गए हैं कि मेरे लिए त्याग करके ही वे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नंदा का पुत्र अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन वह इन मूर्ख लोगों के लिए केवल कष्ट और बर्बादी लेकर आया है। जब मैं अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर निकलूंगा और उनकी भूमि को जलमग्न कर दूंगा, तब ना तो उनके पास और ना ही उनके जानवरों के पास रहने के लिए आश्रय होगा। अपने इन अहंकारी शब्दों के साथ इंद्रा अपने दिव्य निवास स्थान से नीचे उतरकर अपने साथ गहरा अंधकार, संकट के बादल और मूसलाधार वर्षा लेकर आए। बरसात के छींटों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वह समस्त समुदाय को धीरे धीरे मिटाने लगा। सारे गाय कांपने लगे और बच्चे रोने लगे। जैसे जैसे तेज हवा चलने लगी और बरसात के पानी का प्रहार उनके शरीर पर पड़ने लगा, सारे गांववासी अपनी सुरक्षा के लिए कृष्णा के पास इकट्ठा हो गए। कृष्णा, हमें बचाओ, इंद्रा अत्यंत क्रोधित है और हम सब की हत्या कर देगा। मेरे वृंदावन वासियों, चिंता मत करो, मैं तुम सब की रक्षा करूंगा। कृष्णा ने बड़े नाटकीय रूप में अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत को उठाया और बड़ी ही सहजता से उसे अपने सिर के ऊपर छतरी की तरह उठा लिया। उसने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली के सहारे उस बड़े से पर्वत को उठा लिया और समस्त वृंदावन वासी ने उसके नीचे शरण प्राप्त की। इंद्रा ने लगभग 7 दिन और रात इस मूसलाधार वर्षा को बनाए रखा। संपूर्ण सप्ताह वृंदावन के लोग अपने प्यारे कृष्णा की इस अद्भुत शक्ति का आनंद उठाने लगे और गाना गाते हुए समय व्यतीत करने लगे। आखिर में इंद्रा को हार माननी ही पड़ी। उसका अहंकार कृष्णा की शक्ति के सामने छूर छूर हो गया। इंद्र ने अपने अहंकारी होने की क्षमा याचना की और कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसे क्षमा कर दे। शीघ्र ही वृंदावन की प्राकृतिक शोभा फिर से लौट आई।